इत्तेहाद न्यूज़ को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। आज मैं यहाँ पर पीर मगरिबी दरगाह की वफराजी की इंस्पेक्शन के लिए आए थे। जगह तो बहुत काफ़ी है। प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के तहत यहाँ पर कुछ ना कुछ डेवलपमेंट की एक्टिविटीज़ की जाएगी, तो जो भी यहाँ के मैनेजमेंट कमेटी के जिम्मेदार हैं इनसे मशवरा करके तो यहाँ पर कुछ ना कुछ डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ की जाएगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहु। हमारे शहर बेलगाम डिस्ट्रिक्ट के वक्फ ऑफिसर यूनुस जमादार साहब बेलगाम में चार्ज लिए हैं और अभी हम पिरनवाड़ी जाकर आए, फिर इसी तरीके से मच्छा में जो है पूरे जगह का सर्वे किया गया और हुकूमत की जानिब से कुछ स्कीम्स हैं, मैनेजमेंट को मिलकर जो है इंशाल्लाह यहाँ की जो है आगे जो है जो भी कम्युनिटी के लिए काम होंगे इंशाल्लाह करने की कोशिश करेंगे। Thank you.
अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज डिस्ट्रिक्ट वक्फ ऑफिसर वक्फ स्टाफ शहर बेलगाम के अतराफ दरगाह और कब्रस्तान का दौरा किया गया। सुबह पिरनवाड़ी में वक्फ प्रॉपर्टी है, वहाँ पर जो है 28 एकड़ प्रॉपर्टी वक्फ प्रॉपर्टी के एसेट है, 5 एकड़ 16 घंटे जो है फिल वक्त दरगाह और मस्जिद है और दुकानें वगैरह हैं, जहाँ पर सालदार साहब को एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट किया गया है। इंशाल्लाह जल्द से जल्द वहाँ पर सालदार साहब का चार्ज लेकर काम शुरू करेंगे। उसके बाद मच्छा दरगाह में जो है मदरसा चल रहा है, माशाल्लाह शहर बेलगाम में एक वाहिद मदरसा है जो अपने अतिया पर मदरसा चल रहा है, और काफ़ी जगह वहाँ पर एक बड़ी जगह वहाँ पर मौजूद है जो वक्फ प्रॉपर्टी है, जिस पर जो है एक कम्युनिटी के डेवलपमेंट के लिए वहाँ पर कुछ काम किया जाएगा। इसके बाद अनगुल में एक कब्रस्तान, माशाल्लाह वहाँ पर भी जो है कमेटी मौजूद नहीं है, लेकिन डेवलपमेंट वर्क और काम अच्छा हो रहा है। हम उनसे भी गुजारिश करते हैं कि जल्द से जल्द वहाँ पर भी कमेटी बना लें और काम शुरू करें। जहाँ पर भी डेवलपमेंट का काम है, कंपाउंड बनाना वगैरह है, तो वहाँ पर भी इंशाल्लाह वक्फ ऑफिसर जो है अमला जो है इंशाल्लाह उनको भी ताउन करके साथ देने की कोशिश करेगा। उसके बाद वड़गो ईदगाह और मस्जिद कमेटी मौजूद है, उस कमेटी को जो है जल्द से जल्द वहाँ पर कमेटी बनाकर जो है वहाँ पर भी ईदगाह और मस्जिद का जो है काम शुरू किया जाएगा, और ईदगाह पर जो है एक इंशाल्लाह बेहतरीन कॉम्प्लेक्स बनाने का इरादा वहाँ पर भी है कमेटी वालों का, वहाँ पर इंशाल्लाह उनसे भी साथ देने की कोशिश की जाएगी। उसके बाद सुबह एक निज़ामुद्दीन दरगाह वहाँ पर मौजूद है, और वहाँ पर मुजावरों के अंडर में जो है एक कब्रस्तान है जहाँ पर अच्छी खासी देखभाल हो रही है, और जहाँ भी कब्रस्तान मौजूद है वहाँ पर इंशाल्लाह जो है अगर उस वक्त वहाँ पर कुछ काम अगर करना है तो इंशाल्लाह वहाँ पर कर दिया जाएगा। रही बात खासबाग कब्रस्तान की, वहाँ पर भी जाना हुआ, खासबाग और हसूर दोनों मिलाकर उस एरिया का कब्रस्तान है, और उस कब्रस्तान में ज़रूरत है वॉल कंपाउंड की, लेकिन वहाँ पर भी कमेटी मौजूद नहीं है। हमने उन्हें टाइम दिया है कि जल्द से जल्द बैलाज बना ले, बैलाज अप्रूव होने के बाद जो है कमेटी इंशाल्लाह वहाँ भी बन जाएगी, तो वहाँ पर भी इंशाल्लाह कब्रस्तान की कमेटी बआसानी बन जाएगी। हसूर मस्जिद में बहुत दिनों से बैलाज भी पेंडिंग है और कमेटी भी पेंडिंग है, और शमील भुजगर साहब ने वादा किया है कि जल्द से जल्द वहाँ पर जो है 10 तारीख तक हम बैलाज बनाकर आपको सबमिट करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद एक बहुत बड़ी प्रॉपर्टी वक्फ प्रॉपर्टी जो है नलावड़ी में है, तो 9 एकड़ 22 घंटे तकरीबन है, वहाँ पर कब्रें वगैरह हैं, और उनसे हमारी मोदीबाना गुजारिश भी है, वहाँ के जिम्मेदार हवाब से भी मुलाकात हो गई, और शहर बेलगाम को कब्रस्तान जो है एक काफ़ी अरसे से जो है कैंप और मुजावर मोहल्ला और नानावाड़ी तिलकवाड़ी के लोग जो है यहाँ पर दफनाते हैं, तो उनसे कहा गया कि जल्द से जल्द कमेटी बना लें और एक जिम्मेदारी ले अपने ऊपर कि जिस इलाके में
कि लोगों की जिम्मेदारी है वहाँ पर जो है अपनी मौता को जो है दफन करें। तो उन्होंने भी वादा किया कि जल्द से जल्द कमेटी बनाकर इंशाल्लाह हम अपनी मीटिंग में जो है उसे भी पूरा करने की कोशिश करेंगे। मेरी उन तमाम लोगों से मोदी वाला गुजारिश है, कमेटी वालों से गुजारिश है कि जो लोग काम करते हैं उन्हें काम करने का मौका दें और अच्छी तरीके से जो है कम्युनिटी का और मुसलमानों का भलाई के बारे में सोचें। वफ आपके साथ है और इंशाल्लाह जितनी कोशिश आप हजरात की होगी उतनी कोशिश हमारी भी होगी। और आज हालात इतने बद से बदतर होते जा रहे हैं कि आने वाले दिन कैसे हालात होंगे नहीं मालूम। हम आने वाले दिनों की तैयारी जो है हम अभी से अपने डॉक्यूमेंट्स को करेक्ट करते रहें और अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं रजिस्टर्स के जरिए से वक्फ में रजिस्टर कराएं और अपनी प्रॉपर्टी की हिफाजत जो है हम खुद करें।